प्रताप सिंह जी खाचरेवास का द्वार 24 घंटे खुला रहता है। ना तो हमारी सुरक्षा पे ध्यान दिया, ना ही उन्होंने भी यहाँ पे जो इतने अतिक्रमण हो रहे हैं उन पे ध्यान दिया। उन्होंने सीसीटीवी कैमरे लगा दिए जगह जगह और महिलाओं के चक्कर में कोई नहीं है टक्कर में। जगह रोड बन चुके, आदमी रोड वैसे पड़ी हुई है, टूटी हुई, और जो दावे हैं वो सारे खोखले हैं। नमस्कार, द नगरी न्यूज के खास प्रोग्राम चुनावी नगरी में आप सभी का स्वागत है। मैं सिद्दीका मनोहर सोनी आपके साथ। देखिए, जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे चुनाव को लेकर सभी के मन में हलचल बढ़ती जा रही है। लेकिन अभी हम जयपुर की विधानसभाओं का जायजा ले रहे हैं और इसी कड़ी में हम आ पहुंचे हैं सिविल लाइंस विधानसभा क्षेत्र। आज हम जानेंगे सिविल लाइंस विधानसभा क्षेत्र में जनता के दिल की बात, जनता का रुझान, वोटर्स के दिल की बात। तो चलिए चलते हैं सिविल लाइंस विधानसभा क्षेत्र और वहाँ पे मौजूद जनता जनार्दन से बातचीत करते हैं। तो हम आ पहुंचे हैं सिविल लाइंस विधानसभा क्षेत्र, मतलब सत्ता की गलियारों में, जहां मंत्री सीएम का उठना बैठना लगा रहता है, क्योंकि कहा यह जाता है कि राजस्थान में क्या होना है उसकी दिशा जो है यहीं से तय होती है। जनता जनार्दन के बीच हम मौजूद हैं, यहां से जानते हैं जनता के दिल की बात, इन वोटर्स के दिल की बात। क्या नाम है भाई साहब? यूनुस खान। यूनुस खान, हाँ। प्रताप सिंह खाचरियावास के नेतृत्व में 5 साल में क्या काम हुआ है? बहुत बढ़िया काम हुआ है। जैसे कि? बहुत अच्छा अच्छा काम है। क्या क्या विकास कार्य हुए हैं? रोड वगैरह का, पानी का, बिजली का, बहुत अच्छा अच्छा काम है। बहुत अच्छा काम हुआ है। तो आप बताइए कि क्या मुद्दे हैं जिनको लेकर आपको लगता है कि अभी भी यहाँ विकास कार्य नहीं हुआ है, और क्या मुद्दे आप आने वाली सरकार से एक्सपेक्ट करते हैं कि उनके नेतृत्व में उन मुद्दों पर काम हो जाएगा? देखिए, विकास कार्य तो बहुत हुए हैं हमारे क्षेत्र में। प्रताप जी ने बोला है कि मैंने 800 करोड़ के विकास कार्य करवाए उन्होंने, लेकिन उन्होंने रोड पे, बिजली पे, लाइट पे इन्हें भी ध्यान दिया। ना तो हमारी सुरक्षा पे ध्यान दिया, ना ही उन्होंने भी यहाँ पे जो इतने अतिक्रमण हो रहे हैं उन पे ध्यान दिया। यही मुद्दे सबसे बड़े हैं आज, हमारी सुरक्षा और अतिक्रमण, जो कि उन्होंने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया इन पर सबसे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है आज की तारीख में। आज हम रोड पर निकलते हैं, हमें निकलने को जगह तक नहीं मिल पाती। एक गाड़ी आ गई तो दूसरी गाड़ी वहीं फंस जाती है, वो कौन ध्यान देगा? ना तो पुलिस प्रशासन ध्यान देता, ना यहाँ पे विधायक भी ध्यान देते। केवल रोड बनाने से ही आपकी समस्या हल नहीं हो जाती, आप और चीज़ों पर ध्यान दिए। हमें आज इसी चीज़ की जरूरत है, यहाँ पे अतिक्रमणों पर ध्यान दे, जो क्या बोलते हैं, अतिक्रमणों पर ध्यान दे, हमारी सुरक्षा पर ध्यान दे। और किन मुद्दों को लेकर आप सरकार से गुहार लगाना चाहते हैं? आज इस एरिया में नशेड़ियों का ज़्यादा बोलबाला हो गया, उन पर ध्यान दें। पुलिस प्रशासन बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता, आए दिन गंजेड़ी नशेड़ी हर गली हर मोहल्ले में हर घर में चोरी करने पे लगे रहते हैं। दिन देखो, रात देखो, जब देखो जब चोरी। चलिए, तो और भी लोग हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी हम जानते हैं कि उनका क्या कहना है कि प्रताप सिंह खाचरियावास के नेतृत्व में क्या काम हुए हैं और क्या काम नहीं हुए हैं। क्या लगता है भाई साहब आपको, क्या मुद्दे हैं जो अभी भी मुखर है? काम तो बढ़िया हुआ, लेकिन जो मंत्री जी की, लेकिन कमी क्या रही? कमी ये रही कि बताया ना, अतिक्रमण है, सुरक्षा नहीं है, चलते हुए आदमी का मोबाइल छीन के ले जाते हैं यहाँ पे इस एरिया में। अब मंत्री जी को गुहार भी लगा चुके, कोई पुलिस एक्शन ही नहीं लेती है। अच्छा, तो आपने देखा कि यहाँ पे कुछ पक्ष और विपक्ष, हमने दोनों लोगों से बातचीत की, किसी का कहना है काम हुए, किसी का कहना है काम नहीं हुए। लेकिन और भी ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ और लोग मौजूद हैं, हम उनसे भी बातचीत करते हैं। आइए। सभी बढ़िया काम हुए हैं यहाँ पे। जैसे कि दो चार काम बताइए। जैसे कि मान लो अभी हमारे डिस्पेंसरी खोली है प्रताप जी ने गरीबों के लिए, पहले जाना पड़ता था बहुत दूर दवाई लेने के लिए, और अभी हमने एक पानी की टंकी पास करी है, और अभी सरकारी स्कूल और सैटेलाइट की डिमांड रखी है। बोला जीतने के बाद सैटेलाइट और अपने सरकारी स्कूल तैयार करेंगे 12वीं तक का। और क्या एक्सपेक्ट करते हैं आप अभी जो चुनाव होने वाले हैं उसमें क्या लगता है आपको, क्या क्या समीकरण बैठ रहा है? समीकरण तो ये, प्रताप जी आएंगे वापस। इतने निश्चित है आप? बिल्कुल, तो काम पे है ना, काम कराना है उन्होंने, कोऑपरेट कराया सभी लोगों को और पूरे सिविल लाइन क्षेत्र में काम कराना उन्होंने। ये सरकार से किसी तरह की कोई नाराजगी तो नहीं है? ये बिल्कुल कांग्रेस सरकार से तो बिल्कुल ही नहीं है। क्या लगता है आपको कि कितना काम हुआ है, और आने वाले समय में अभी भी कौन से मुद्दे हैं जिन पर काम नहीं हुआ है? मैडम, जैसे कि आप देख पा रहे हैं विकास की दर की, देखें तो अभी तक रोड देख लिए, हर जगह रोड बन चुकी है, आज भी रोड वैसी पड़ी हुई है, टूटी हुई, और जो दावे हैं वो सारे खोखले हैं। दिखता कुछ और है और अंदर कुछ और हो रहा है, ये गोलमाल वाली है। रही बात समीकरण की, तो राजस्थान में हर 5 साल बाद में एक चुनाव प्रक्रिया होती है, जिसके कारण 5 साल बाद सरकार दोबारा नहीं आती है, इस बार भी वही होने वाला है।
क्योंकि यहाँ आप ही देख लीजिए जिस तरह से कांग्रेस ने तुष्टिकरण की नीति अपना रखी है। बी फ्रेंकली आई एम सेइंग टू यू, नंगा पोल के अंदर हादसा हुआ, एक विशेष परिजन के साथ 50 लाख रुपए का मुआवजा, एक डेयरी बूथ अलॉट करा देना, और वही अगर किसी और के साथ हो जाए तो केवल एक शोक संवेदनाएं देखकर अपना पल्ला झाड़ लेना, इससे आप क्या समझ सकते हैं। कहीं ना कहीं आक्रोश तो किसी ना किसी समुदाय में फैला पड़ा रहता है। तो इस बार लेकिन जनता ने जो उनको समर्थन दिया, उनको जो सरकार में वापसी करवाई, तो उसका क्या कहना है आपका? देखिए मैम, हर 5 साल बाद परिवर्तन होगा, इस बार फिर परिवर्तन है। इतने आश्वस्त है आप? 100%। लेकिन आपने देखा कि यहाँ पे पक्ष और विपक्ष दोनों तरह के लोग मौजूद थे, हमने उनसे बात भी की, हमने जिनसे अभी बात की उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो आश्वस्त है कि इस बार भी प्रताप सिंह खाचरियावास ही आएंगे। लेकिन और ज़्यादा जानकारी के लिए हम यहाँ पे और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं कि उनकी क्या राय है। हाँ सर, आप बताइए क्या लगता है आपको? खाचरियावास जी ने काम जो किया है सीमित अपने मोहल्ले में, समाज में, कॉलोनी में, बहुत अच्छा काम किया है, ऐसी कोई बात नहीं। और आने वाले टाइम में प्रताप जी ही आएंगे, क्योंकि अपना एक जावेद भाई है, उन्होंने बहुत कोऑपरेट किया है, अनिल चाचा ने बहुत कोऑपरेट किया है मोहल्ले। लेकिन भाजपा तो कहती है कि यहाँ पे सरकार ने लीपापोती का काम किया है, कोई काम नहीं किया है। क्या आप मेरे को बताओ, भाजपा ने किया क्या आज तक? किया क्या है भाजपा ने? सिर्फ वो दो गुटों बोलना नहीं काम करते। और अभी जो समिति बनाई है, अभी अस्पताल बनाया है जावेद भाई ने, अनिल चाचा और उन्होंने बहुत मेहनत की है, मोहल्ला उनके साथ है और सब प्रताप जी के साथ ही है। बिल्कुल, आप बताइए क्या कहता है एमएलए का रिपोर्ट कार्ड? एमएलए का रिपोर्ट कार्ड, प्रताप सिंह खाचरियावास का रिपोर्ट कार्ड क्या कहता है? उन्होंने क्या कहा, क्या क्या काम किए? बहुत अच्छे काम किए उन्होंने। जैसे कि एक दो काम बताइए। एक दो मतलब गरीबों को साथ में बहुत अच्छा काम किया है, हर युवाओं के साथ में, मतलब बेरोजगार के साथ में, मतलब सब समाज का ध्यान रखा उन्होंने। अच्छा, आप बताइए कि उनके नेतृत्व में क्या काम हुए हैं और क्या मुद्दे हैं? सबसे बड़ी बात उनके अंदर ही, कोई जातिवाद नहीं करते हैं, वो सबको बराबर रखते हैं प्रताप जी। तो यहाँ पे हमारे साथ महिला भी मौजूद है, उनसे भी बातचीत करते हैं। हाँ, आप बताइए कि कैसा लगा आपको उनका काम और उनसे क्या मुद्दे हैं? बहुत अच्छा उनका काम लगा है हमको तो भाई, और सबको भी अच्छा लगा है। लेकिन जो यहाँ मार धाड़ आए दिन होती हैं, मोबाइल चोरी, सुरक्षा को लेकर के, हाँ सुरक्षा आपको करनी है खाचरियावास से, बोल लेना सीधी बात, भदौरिया नहीं बोली है पप्पू गत्ते। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम गौरव ढोली राणा है और मैं सिविल लाइन विधानसभा क्षेत्र से ही हूँ। आप पूछिए, आप क्या पूछना चाहते हैं? सिविल लाइन्स विधानसभा क्षेत्र में क्या मुद्दे हैं जो मुखर है? हमारे यहाँ तो ऐसा कोई भी मुद्दा नहीं है, हमारे क्षेत्रीय विधायक मंत्री प्रताप सिंह जी खाचरियावास बड़ा ही अच्छा यहाँ कार्य करते हैं। यहाँ कोई भी ऐसी कोई चीज़ पेंडिंग नहीं है ताकि हम आपको बता सकें, यहाँ पे सब काम हुए हैं विकास की, यहाँ पे गंगा। तो इनका कहना है कि यहाँ पे सारे काम हुए हैं, आप बताइए कि 5 साल के कार्यकाल में यहाँ क्या क्या काम हुए हैं? मेरा नाम रतनलाल राणा ढोली है और यहाँ तो प्रताप सिंह जी खाचरियावास ने सारे काम किए, जो भी हमारी परेशानी थी उन्होंने दूर की हमारी। जैसे एक दो काम गिनाइए। जैसे हमारे यहाँ बिजली का, हमारे सड़कें बनाई हैं उन्होंने, हमारे जैसे कई काम किए उन्होंने। तो इनका तो कहना है कि यहाँ पे उन्होंने कई काम किए हैं, बिजली को लेकर भी काम किए हैं, सड़कों को लेकर भी काम किए हैं। आप बताइए सर, आपका क्या कहना है? बढ़िया काम है, अच्छा काम किया है, सारा काम अच्छा किया है, सही। जैसे कि कुछ काम गिनाइए। हाँ, इन्होंने कहा कि यहाँ पे बढ़िया काम किया है, अच्छा काम किया है। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी हम बातचीत करते हैं। 5 साल के कार्यकाल में उनके नेतृत्व में क्या क्या काम हुए हैं? मैं रामराज राणा डोलिस बोल रहा हूँ और प्रताप सिंह जी ने जो आदरणीय हमारे जो यहाँ के विधायक हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, सीवर से लेके, लाइट से लेके, रोडों से लेके, सब अच्छा काम किया। हमने यहाँ पे जनता से बात की, लगातार सवाल जवाब बटोरे, लेकिन और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे भी बातचीत करते हैं। आप बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं? ये जो मुद्दे पूछ रहे हैं, मुद्दों में जैसे यहाँ पे हमारे कोई भी ऐसा काम बाकी नहीं है जो हमारे क्षेत्रीय विधायक मंत्री प्रताप सिंह जी खाचरियावास ने नहीं कराया हो, चाहे वो सीवरेज का काम हो, चाहे वो पानी की पाइपलाइन हो, चाहे वो टू व्हील हो, चाहे वो गरीबों का कोई भी काम हो। आज भी आप देखिए कि मंत्री प्रताप सिंह जी खाचरियावास का द्वार 24 घंटे खुला रहता है। आज आप जैसे चुनाव का माहौल है, आज ही मंत्री प्रताप सिंह जी का जो द्वार है सिविल लाइन्स में बंगला नंबर 48, वो आज भी खुला है, वो हर समय
और हर दुख दुविधा में गरीबों के मसीहा हैं और वो हर बात को स्वीकार करते हैं। हम चाहते हैं कि आने वाले समय में यह कांग्रेस की सरकार बने और हम तो देखिए इन लोगों ने कहा कि ये आने वाले समय में भी कांग्रेस की सरकार ही चाहते हैं, लेकिन हमारे साथ महिलाएं भी मौजूद है, उनसे भी बातचीत करते हैं कि उनका क्या कहना है। हाँ, क्या नाम है मैम आपका? लक्ष्मी देवी। लक्ष्मी देवी जी, आप बताइए कि प्रताप सिंह खाचरियावास के पिछले 5 साल के कार्यकाल में क्या काम हुए हैं और क्या काम नहीं हुए हैं? पूरे अच्छे काम हुए हैं। देखो ये अभी लाइट लग रही है हमारे हर हमारे हर कॉलोनी में, हर भाग में, हर जयपुर में जगह जगह तो ये लाइटें लगा दी। पानी की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था अच्छी है, कोई परेशानी नहीं है, रोड है, लाइट है, सब। चलिए ये तो कह रहे हैं कि हर तरह की सुविधा इनको मिली है, पानी की व्यवस्था भी अच्छी की गई है, इनसे बातचीत करते हैं, आपका क्या कहना है? मेरा नाम सुशीला कंवर है। प्रताप सिंह जी खाचरियावास ने इतना अच्छा काम कराया पूरे सिविल लाइन्स में, बहुत ही बढ़िया सड़कें, सीवर लाइन, हाई मास्क लाइटें, शौचालय, मतलब ऐसा कोई काम, सारे मुद्दों पर काम कराया, कोई भी मुद्दा छूता नहीं है, कोई मुद्दा बचा ही नहीं है। सबके सुनते हैं, गरीबों के मसीहा है। लॉकडाउन में उन्होंने घर घर राहत सामग्री पहुँचाई लोगों के पास, किसी को भूखा नहीं सोने दिया। लॉकडाउन में हॉस्पिटलों के चक्कर लगाए उन्होंने, और हर बच्चे, बूढ़ा, जवान सब उनको दिल से चाहता है। और हम चाहते हैं हमारे प्रताप सिंह खाचरियावास जी भारी मतों से विजयी बने और वापस कांग्रेस की सरकार बने राजस्थान के अंदर। देखिए तो हमने यहाँ पे महिलाओं से भी बातचीत की, उनका भी पुरुषों की तरह यही कहना है कि हम भी यही चाहते हैं कि यहाँ पे प्रताप सिंह खाचरियावास की ही सरकार बने। लेकिन हम और ज़्यादा लोगों से बातचीत करते हैं, उनकी राय क्या है, उनके मन में क्या है, वो प्रताप सिंह खाचरियावास के लिए क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं, आइए इनसे भी बातचीत करते हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? ललित राणा मेरा नाम। ललित राणा आपका नाम है, बताइए उनके पिछले 5 साल के कार्यकाल में क्या क्या काम हुए हैं और क्या क्या काम नहीं हुए हैं जिन पे अभी होना बाकी है? देखिए पिछले 5 साल की बात नहीं कहते हैं, प्रताप सिंह जी यहाँ से 30-35 साल से हमारे क्षेत्र के जो है नेता रहे हुए हैं, और उन्होंने हर बात को स्वीकार करते हुए, चाहे गरीबों की पेंशन हो, चाहे विधवा की पेंशन हो, चाहे विकलांग की पेंशन हो, चाहे ट्यूबवेल का काम हो, और चाहे डिस्पेंसरी खोलना हो, चाहे सड़क, पानी, बिजली का काम हो, गरीबों के हितेशी प्रताप सिंह खाचरियावास जैसा पूरे राजस्थान में गिने चुने लोगों में से एक नाम है, वो है प्रताप सिंह खाचरियावास। आप बताइए कि ट्रैफिक मैनेजमेंट को लेकर जो है इस सिविल लाइन क्षेत्र में काफ़ी दिक्कतों का लोगों को सामना करना पड़ता है, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल मैडम, हमारा मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ही रहनी चाहिए, हम इसी को ही लाएंगे वापस। नहीं, अच्छा ठीक है, तो इन्होंने भी यही कहा कि हम भी यहाँ पे प्रताप सिंह खाचरियावास के समर्थन में ही वोट करेंगे। लेकिन हम और भी ज्यादा लोगों से बातचीत करते हैं कि उनका क्या कहना है, आप बताइए आपका क्या कहना है? हमारा कहना यह है कि इन जैसा नेता कहीं नहीं मिलेगा, मंत्री कहीं नहीं मिलेगा, इतना काम करता क्यों, ऐसे क्या क्या काम किए उन्होंने, काम करे बिजली का, पानी का, गरीबों का, सबका सुनाई करता है अगला आदमी, घमंड नहीं है इसके, हर काम में बुला लो आप, छोटा सा काम आया रहेगा, आएगा तो मेरा वहाँ पे प्रताप सिंह जी का नाम है, बच्चे बच्चे छोटा से लेके बूढ़ा तक लेके जवान तक लेके सब प्रताप सिंह को चाहते हैं, प्रताप सिंह जी जीतेंगे, हजारों वोटों से जीतेंगे। लेकिन देखिए राजस्थान की जनता जो है बदलाव भी चाहती है, अगर इस बार सरकार बदल गई तो नहीं होएगा, कांग्रेस की सरकार बनेगी, चारों तरफ कांग्रेस को चाहते हैं, युवा भी कांग्रेस को। बात बताना चाहता हूं, जहां बदलाव की बात है विपक्ष के पास कोई मुद्दा तो है नहीं, और ऐसे फालतू के मुद्दे हैं उनकी भी बात करते हैं, हम मुद्दों की बात बताते हैं। लेकिन देखिए चाहे किसी की भी सरकार हो, किसी भी पार्टी का विधायक हो, लेकिन कुछ मुद्दे हमेशा अधूरे रह जाते हैं, तो इनके नेतृत्व में भी कुछ ना कुछ मुद्दे अधूरे रहे होंगे। ये सारे काम हो गए, एक भी काम अधूरे नहीं है, सारा मंदिर, मस्जिद, सारा को काम कराए उन्होंने, पार्क बनाई है और स्वास्थ्य केंद्र बनाए, जगह जगह जनता क्लिनिक बनवाई है हर वार्ड में जनता। आप कुछ कहना चाहते हैं? जब कोरोना में जब सब जगह रास्ते बंद हो गए थे तो नेताजी प्रताप सिंह जी का खाचरियावास का मकान खुला, लेकिन भाजपा तो कहती है कि उन्होंने कोई काम नहीं किया है। ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ की जनता बोल रही है, जब कोविड में जब सब रास्ते बंद, हमारे नेता के लिए कोई बुराई नहीं करेगा, उनका काम बोलता है, वो नहीं बोल रहे, उनका काम बोल रहा है, आप जाके देखो कहीं भी उनके प्रति उनके खिलाफ कोई भी नहीं बोलेगा। हाँ, आप कुछ कहना चाहते हैं?
पांच साल के कार्यकाल में ढाई साल का कार्यकाल तो कोरोना खा गया, और कोरोना में जितना सफल व्यवस्था प्रताप सिंह, कोरोना में जैसे कुछ काम की नहीं है, ना गरीबों को खाना की पहुंचाया है, वैक्सीन की व्यवस्था की है, ऑक्सीजन की व्यवस्था की है, उनको सही तरीके से वेंटिलेशन के लिए वहाँ पे जगह हॉस्पिटल में प्रोवाइड करवाई है, पूरे सिविल लाइन सड़क पर। कोरोना में जब कोरोना आया था तो डर रहे थे, उस समय विपक्ष के नेता सब अपने घरों में बंद थे, उस समय प्रताप सिंह जी खाचरियावास पूरे राजस्थान में घूमे, वही एक कांग्रेस के नेता थे जो रोड पे थे, घर घर के थे, घर घर सामान, सिर्फ इकलौते वही नेता थे सिविल लाइन के, वही थे, सबका ध्यान रख रहे थे। कार्यकाल में जितना काम इन्होंने किया है ना, उससे बढ़िया उससे किसी ने नहीं किया, कोई विधायक ने नहीं किया। विकास का मॉडल रहा है, 25 नवंबर को विधानसभा चुनाव होने हैं, अगर उन्हीं की सरकार आती है तो आप उनसे और किन कामों की उम्मीद करते हैं? देखिए, सरकार में अपेक्षा बढ़ जाती है जब प्रताप सिंह जी आएंगे, हमारा इतना अच्छा क्षेत्र को उन्होंने चमका दिया है, और अलग से अब सात गारंटी दी है, आपको ध्यान है कांग्रेस सरकार ने सात गारंटी दी है, गृह लक्ष्मी जो गारंटी योजना दी है उसमें महिलाओं को 10,000 रुपये मिलेंगे, खुशहाल जीवन होगा, लोगों को 2 रुपये किलो जो जीव जंतु, 500 रुपये में सिलेंडर मिलेगा, हमें महिलाओं को इतनी खुशी है, कांग्रेस सरकार वापस आएगी और 10,000 रुपये। चलिए, महिलाओं से मैं आपसे बात कर रही हूँ, तो सुरक्षा को लेकर उन्होंने क्या किया है? महिलाओं के सुरक्षा के लिए सुखी सुरक्षा का घर हर कॉलोनी के अंदर की सुरक्षा का वो ग्रुप जोड़ा है, और महिलाओं को कोई खतरा नहीं है, कांग्रेस से कोई खतरा नहीं है, महिलाओं की सेफ्टी के लिए उन्होंने सीसीटीवी कैमरे लगा दिए जगह जगह, और महिलाओं की सुनती है, महिला हेल्पलाइन नंबर भी है सबके पास, और महिलाएं फोन करके तुरंत अपनी शिकायत कर सकती है। तो देखिए, यहाँ पे महिलाओं ये भी कुछ कहना चाहती है। हाँ, हम गैस सिलेंडर का उन्होंने इंतजाम करवाए थे, गैस सिलेंडर ही खत्म हो गए थे सब जगह, और उन्होंने खाचरियावास जी ने आपके घर घर तक पहुँचाए थे, हमारे घर घर तक क्या खूब काम करवाए हमारा खाचरियावास जी ने, हम उनको ही वोट देंगे। हाँ, सिविल लाइन का एक ही शेर है प्रताप सिंह, उनके चक्कर में कोई नहीं है टक्कर में। सिविल लाइन विधानसभा क्षेत्र के क्या प्रमुख मुद्दे हैं? मेन मुद्दे तो रोड क्लियरिंग, ये जो मेन पीछे जो नाला बन रहा है उसका काम कंप्लीट हो जाए, ताकि यहाँ के जो लोग व्यापारी लोग हैं वो आराम से अपना काम धंधा कर सके। क्या लगता है आपको, 5 साल के कार्यकाल में कितना काम हुआ और कितना नहीं हुआ? अगर परसेंटेज के हिसाब से बात करूँ तो 50% या 60% काम मान सकता हूँ। 50 से 60% ही काम हुआ है, 100% काम नहीं हुआ है, क्यों? ये लोग परेशान, क्या मुद्दे हैं जो रह गए? मेन मुद्दा तो ये, हम तो यहाँ पे व्यापारी लोग हैं, तो हमारे उतना पता है कि हमारी जो रोड का ये सिस्टम है कम्प्लीट नहीं है, पार्किंग की सुविधाएं नहीं है, लोग कस्टमर्स परेशान होते हैं हमारे, रोड की चौड़ाई कम है इस चक्कर में। तो चलिए, इन्होंने कहा कि यहाँ पे 50 से 60% ही काम हुआ है, पूरा काम नहीं हुआ है, हम आगे भी बातचीत करते हैं, आपका क्या कहना है कि जैसे इन्होंने तो कहा कि 50 से 60% ही काम हुआ है, आपको क्या लगता है कि किन मुद्दों पर काम हुआ है और किन मुद्दों पर काम नहीं हुआ है? अवैध निर्माण बहुत ही स्थायी रूप से सुनिश्चित तरीके से पिछले कांग्रेस कार्यकाल में बहुत ज्यादा रहे, अभी आप जिस जगह खड़े हैं यहाँ भी एक अवैध बिल्डिंग बहुत ही लंबे समय और लंबे विवाद के बाद निर्मित हुई, उसकी वजह से यहाँ इस पूरे एरिया में पार्किंग को लेकर इतनी प्रॉब्लम है, आम नागरिक हम लोग यहाँ स्थानीय निवासी हैं, हमारी गाड़ियाँ निकलने में हमें ही बहुत ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आमजन के तौर पर अगर आपसे मैं बात करूँ तो क्या मुद्दे हैं जिनको लेकर आप बताना चाहेंगे कि इन मुद्दों पर काम हो चुका है, लेकिन जो अभी भी कुछ मुद्दे बाकी है जिन पर काम नहीं हुआ है? सबसे मेन मुद्दा मैम ये है कि यहाँ पे सांप्रदायिकता बहुत ज़्यादा फैल रही है, और जो कांग्रेस काल के अंदर जितनी भी गतिविधियां चल रही हैं उससे लोग नाखुश हैं, और दिन रात के टाइम पे यहाँ पे माँ बहनें ढंग से सेफ नहीं निकल पाती हैं, इतनी आसमान सुरक्षा को लेकर कोई इंतजाम नहीं किए गए हैं, कोई इंतजाम नहीं है, और एक समुदाय के लिए सब कुछ अगलों ने दिया है लोगों को और बाकी सबको निर्वाह किया है इन्होंने। अगर मैं अपना सवाल बदलूं और आपसे पूछूं तो अगर आने वाले समय में आप कौन से काम है जो यहाँ पे देखना चाहते हैं? सबसे बड़ा काम तो यह है कि जो बेरोजगारों के साथ जो छल हुआ है पेपर लीक को लेके, उसमें युवाओं को लेकर, युवाओं के लेके उसमें पारदर्शिता आनी चाहिए, जो एक्चुअल में मेहनत कर रहे हैं बेचारे लोग बच्चे वो तो पीछे रह रहे हैं, और एक तरह से जो लीक प्रकरण में उस पर सबसे बड़ी सुधार होना चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे युवाओं को लेकर, जो है इस क्षेत्र में पेपर लीक का मुद्दा भी कहीं ना कहीं छाया हुआ था, उसको लेकर आपका क्या रुख है? मैम, पेपर लीक तो सबसे बड़ी कमी है गवर्नमेंट की, अगर पेपर लीक नहीं होगा तो बहुत से बच्चे हैं जो अपना भविष्य बना पाएंगे, इनके कारण में कांग्रेस सरकार के राज के अंदर ये हो रहा है कि पेपर लीक होते हैं और सबका भविष्य खराब हो रहा है, इतनी मेहनत इंसान करता है और उसके बाद में उसको असफलता ही हाथ आती है, तो सरकार चेंज होनी चाहिए यहाँ पे।
क्या लगता है आपको, मतलब क्या समीकरण बैठ रहे हैं? समीकरण तो बीजेपी आएगी, राम राज्य बनेगा। राम राज्य बनेगा, बीजेपी ही आएगी, इतने आश्वस्त कैसे आप? आश्वस्त है, राम राज्य है तो राम राज्य ही रहेगा मैम। ये तो देखिए, आज हमने सिविल लाइन्स विधानसभा क्षेत्र का जायजा लिया, वहाँ पे जनता जनार्दन से बातचीत की, जनता के रुझान जाने, जनता के तमाम मुद्दों पर उनसे बातचीत की, लेकिन फिर भी राजस्थान की किस्मत का फैसला तो जनता ही करेगी। 25 नवंबर को विधानसभा चुनाव होने हैं, जिनका 3 दिसंबर को परिणाम घोषित हो जाएगा, और उस दिन साफ हो जाएगा कि हर विधानसभा क्षेत्र की तरह सिविल लाइन्स विधानसभा क्षेत्र पर भी किस कौन बाजी मार पाएगा। मैं सिद्धिका मनोहर सोनी, कैमरामैन संजय के साथ द नगरी न्यूज़, जयपुर।